प्रिया जायसवाल, स्वागत करती हूँ आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। भारतीय अर्थव्यवस्था की गति जितनी धीमी है, क्या वाकई में उतनी ही बुरी है? ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिएव ने शब्दों में ऐसे संकेत दिए हैं। IMF प्रमुख ने टिप्पणी की है कि दुनिया के कई देश मंदी से पीड़ित है, ये मंदी और भी बढ़ सकती है। दुनिया भर में मंदी से भारत सबसे अधिक प्रभावित है। इतना ही नहीं, भारत जैसे देश में लंबे समय तक मंदी जारी रहेगी। आइए जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को लेकर और क्या कुछ कहा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिएव का कहना है कि वैसे तो इस वक्त समूचे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं मंदी की चपेट में हैं, लेकिन भारत जैसी सबसे बड़ी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में इस साल इसका असर ज्यादा नजर आ रहा है। IMF के प्रबंध निदेशक के तौर पर अपने पहले संबोधन में उन्होंने ये बात कही। जॉर्जिएव ने संकेत दिया कि चौतरफा फैली मंदी का अर्थ है कि वर्ष 2019-20 के दौरान वृद्धि दर इस दशक की शुरुआत से अब तक के निम्नतम स्तर पर पहुंच जाएगी। उनके मुताबिक दुनिया का 90% हिस्सा कम वृद्धि का सामना करेगा। उन्होंने कहा, अमेरिका और जर्मनी में बेरोजगारी ऐतिहासिक निचाई पर है, फिर भी अमेरिका, जापान तथा विशेष रूप से यूरोप क्षेत्र की विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक गतिविधियों में नरमी देखी गई है, लेकिन भारत और ब्राजील जैसे कुछ सबसे बड़ी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में इस साल मंदी का असर ज्यादा साफ नजर आ रहा है। इसी माह क्रिस्टीन लागार्डे के स्थान पर IMF का शीर्ष पद संभालने वाली क्रिस्टालिना जॉर्जिएव ने कहा कि मुद्राएं एक बार फिर अहम हो गई हैं और विवाद कई कई देशों तथा अन्य अहम मुद्दों तक फैल गए हैं। उन्होंने ट्रेड वार में शामिल देशों से बातचीत के जरिए हल निकालने की अपील की है, क्योंकि इसका असर वैश्विक है और इससे कोई अछूता नहीं रह सकता। IMF ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान घटा दिया है। अनुमानित विकास दर में 0.30% की कटौती की गई है। IMF ने विकास दर का अनुमान अब 7% कर दिया है। जानकारों के मुताबिक ऐसा घरेलू मांगों में आई कमी की वजह से किया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में भारत की विकास दर 5% पर पहुंच गई थी। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस वित्त वर्ष के लिए विकास की दर का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.1% कर दिया है। घटते ग्रोथ रेट पर लगाम लगाने के लिए सरकार और सेंट्रल बैंक की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वैश्विक सुस्ती से भारत कैसे अछूता रह सकता है? प्राइम टीवी आउटपुट डेस्क।